अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं कराची की एक बहुत बड़ी ब्रांड मुहाफिज़ हेलमेट के नाम से बहुत मशहूर है यहाँ वाटर पम्प पे। उनके ओनर के साथ यहाँ बैठा हूँ और उनका नाम मैं पूछना चाहूँगा। सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद इकबाल। तो मोहम्मद इकबाल साहब, आपको ये आइडिया कैसे आया कि इसका नाम यही होना चाहिए? असल में एक तो ये हेलमेट है, तो हेलमेट जो है ना एक हिफाजत के लिए पहना जाता है, तो दिमाग में आया अभी बहुत सारे हमने नाम सोचे तो, लेकिन ये मुहाफिज़ इसके साथ मैच कर रहा था कि ये आपकी हिफाजत के लिए बनाया है, तो मुहाफिज़ का मतलब ही यही होता है। सर आपको कितने साल हो गए इस ब्रांड को खोले हुए और अगले 5-6 साल में आप इस ब्रांड को किस लेवल पे देखना चाहेंगे? ये मुझे तकरीबन 18 साल तो हो चुके हैं इसको ब्रांड को रनिंग करते हुए, ठीक है ना, और बाकी मैं इस पर मेहनत कर रहा हूँ। लोकेशन यानी जगह कितनी ज़रूरी है कोई भी ब्रांड ओपन करने के लिए? जैसे आप सबको ही पता है कि वाटर पम्प पे फेडरल भी एरिया में जहाँ बाइकों की मार्केट है, आपने अपने मुहाफिज़ ब्रांड हेलमेट का जो है आपने शॉप खोली हुई है, तो लोकेशन कितनी मैटर करती है? आपने इस जगह पर अपनी ब्रांड खोली है तो ये कितना मैटर करता है, कितना ज़रूरी है उसके लिए? देखें लोकेशन तो खैर मैटर करती है, लेकिन अब ये नहीं है कि सिर्फ लोकेशन पर ही सारा काम होगा। सारा काम जो है ना दो चीज़ें होती हैं कि आपने लोकेशन तो आपने सेलेक्ट करनी है, कुछ चीज़ आपको नेचुरली मिल जाती है, लोकेशन मिल जाती है, कुछ चीज़ें आपको फिर ढूंढनी पड़ती हैं। तो थोड़ा वर्क किया मैंने, तो मैंने उस चीज़ को हेलमेट बनाने के लिए सबसे अच्छा जो मटेरियल जो सेलेक्ट किया वो फाइबर ग्लास किया, क्यों फाइबर ग्लास ऐसा मटेरियल है कि जो कि इंटरनेशनली अगर आप जाके गूगल पर सर्च करेंगे तो नंबर वन हेलमेट को जो अगर कोई आपको सजेस्ट करेगा वो फाइबर ग्लास पे ही आएगा। अच्छा फाइबर ग्लास जो है बनता है असल में एक्चुअली बहुत मेहनत से बनता है, बहुत टाइम लेता है, हाथ सारा काम है, इसमें कोई ऑटोमेटिक प्लांट कोई मशीन इस्तेमाल नहीं है, आर्टिस्ट का काम होता है, ये एक बाकायदा इसका आर्टिस्ट होता है, एक कारीगर भी होता है, लेकिन अच्छा डिज़ाइन जो करेगा वो आर्टिस्ट करेगा। मिसाल के तौर पर ये एक हेलमेट है, ये जो है ना आम फाइबर बनाने वाला इसको जो है डिज़ाइन नहीं कर सकेगा, सर बना देगा लेकिन बहरहाल वो उसकी एक सही शक्ल लेके नहीं आ सकेगा। ये इसका शेड तक फाइबर पे, इसका शेड तक फाइबर पे एक ग्लास भी हमने जो इस्तेमाल किया सबसे टॉप क्वालिटी जो हम इस्तेमाल कर सकते थे वो एक्रेलिक मास्किंग शीट में इस्तेमाल किया। ये शीशा होता है कि नॉन फेडेबल और इससे सामने की लाइट जो है ना रिफ्लेक्ट नहीं करती, जो ज़्यादा चाइनीज जो दूसरे हेलमेट में अक्सर प्रॉब्लम होती है कि वो सामने की लाइट जो पड़ती है वो आदमी धुंधला जाता है, तो ये एक तो फेड नहीं होता, दूसरी बात सामने रिफ्लेक्शन नहीं करता, फिर दूसरा ये कि फाइबर ग्लास की ये खूबी होती है कि इसमें प्रोटेक्शन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। ये किसी आप प्लास्टिक में करके भी गलती से भी देखेंगे ना, इतना प्रेस करेंगे वो लाद में टक्कर के शीशे की तरह टूटेगा। अच्छा ये टूटेगा भी ना भाई, सोर्स इतना एक चीज़ की लिमिट होती है, उसके बाद वो टूट जाती है, टूट सकती है और टूट जाना चाहिए उसको, तो उसको वो फिर इस तरह से नहीं टूटेगा जैसे शीशा टूटता है, इस तरह से टूटेगा जैसे समझ लें कि ये समझ लें अंदर ये फाइबर ग्लास जस्ट लाइक कपड़ा होता है, ये जाल की तरह कपड़ा होता है, उस पर फिर वो तमाम चीज़ें इसको ऐड की जाती हैं, उसके तमाम जो फार्मूले वो ऐड करके फिर इसको एक शक्ल दी जाती है, तो वो उसके बाद ये जाके यहाँ तक बनती है चीज़। अच्छा सर, पाकिस्तान में तो बहुत सारे लोग हेलमेट सेल कर रहे हैं, बट यहाँ पे ऐसा क्या है या कोई आपका कोई कॉम्पिटिटर मध्य मुकाबल के आपके टक्कर का कोई हेलमेट बना रहा है? क्योंकि हर कोई हेलमेट बेच रहा है और बहुत चीप प्राइस पे बेच रहा है, ऑब्वियसली आप इस रेट पे नहीं बेच रहे हैं, तो आपके हेलमेट में ऐसी क्या बात है जो किसी और हेलमेट्स में नहीं है? देखिए सबसे पहली बात पहले बताई थी मैंने, हमारा हेलमेट फाइबर ग्लास पे होता है, ठीक है ना, फाइबर ग्लास जो है ना वो आप कहीं भी आप चेक करेंगे तो सबसे नंबर वन जो है ना किसी भी ऐसी चीज़ बनाने के लिए फाइबर ग्लास जो है ख़ासतौर पर हेलमेट के लिए फाइबर ग्लास, आज से 25-30 साल पहले चले आए तो फाइबर ग्लास के हेलमेट आते थे, अब बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है, बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है, बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब आदमी हेलमेट पहनने वाले मोटरसाइकिल, अब आदमी तो वो फाइबर ग्लास एक्चुअली पूरा नहीं कर सकता। अच्छा उसके जो मुकाबले में अगर फाइबर ग्लास के मुकाबले में अगर जो प्लास्टिक हेलमेट हो अगर बनाया भी जाए तो वो ABS होना चाहिए, ना कि जो है ना रिसाइकिल और पैड और दूसरे मटेरियल से बना, वो बिल्कुल गलत है। अच्छा सर एक बात और मुझे बताइए कि प्राइस कहाँ से स्टार्ट हैं और कहाँ तक एंड हैं और किन किन कैटेगरीज में जो है आपके पास हेलमेट मौजूद हैं? देखिए हमारे यहाँ फाइबर ग्लास पे ना 1 ईयर वांटेड जो है ना स्टार्ट है वो 2150 से स्टार्ट है, ठीक है ना, और 5 ईयर वांटेड जो है हमारे वांटेड नहीं बल्कि गारंटेड है, रिप्लेसमेंट गारंटेड है हमारे यहाँ, वारंटी भी नहीं है, अब अगर बॉडी टूट जाती है 5 साल में या 1 साल में तो हम कमिटेड हैं उसको रिप्लेस करके देते हैं उस बॉडी को,
बॉडी रिप्लेस करते हैं उसकी, लाजमी हम बेसिक चीज हेलमेट की बॉडी है उसकी, उसी की हम गारंटी दे सकते हैं। ऑब्वियसली यूथ बहुत मैटर करती है और अगली जो हमारी जनरेशन है वो सारी सोशल मीडिया की है, तो ऑब्वियसली जो भी चीज़ चाहिए होती है हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। तो क्या आपने भी कोई ऐसा जरिया बनाया है अपने हेलमेट को सेल करने के लिए जिससे लोग घर बैठे बैठे अपना ऑनलाइन ऑर्डर करके और उसको जो है ना घर पे बैठे बैठे अवेल कर सकते हैं? हाँ, अभी हमने थोड़ा सा शुरू किया है, लेकिन थोड़ा सा अभी हमारा थोड़ा सा काम बाकी है वेबसाइट पर, थोड़ा सा तकरीबन वो हमारे पेज बन रहे हैं, थोड़ा प्रोमो बनेगा, फिर वो हम बाकायदा अपना वेबसाइट पे स्टार्ट करके फेसबुक वगैरह में डाल के उसको प्रॉपर, ये हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम यही है कि इसको ऑनलाइन भी हम सर्विस दी जाए। और अभी थोड़ा बहुत तो हमने चला रहे हैं, चल रहा है पर्सनली तौर पे थोड़ा थोड़ा चल रहा है, लेकिन बारा एक प्रॉपर तरीके से हमारा प्रोग्राम, क्योंकि लाजमी अब आगे का दौर जो इसी पे ही जाना है, क्योंकि फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या दूसरे अदर जो सोर्सेज हैं उसी पर ही जाके काम होना है, क्योंकि हर आदमी असल में मसरूफ इतना हो गया है कि वो चाहता है कि यार मुझे हर चीज़ जो है ना घर बैठे मिल जाए। आगे और कौन से प्रोडक्ट हैं जिस पे आप काम कर रहे हैं या करेंगे, और क्या इरादा है आपका मुहाफिज़ की तरफ से, क्या क्या लॉन्च करना चाहेंगे? अभी मेरा प्रोग्राम ऑयल का है, ठीक है ना, इंजन ऑयल का इंशाल्लाह उस पर प्रोग्राम है, मोटरसाइकिल का एयर फिल्टर है उसका प्रोग्राम है, अच्छा दूसरा चाइनीज़ पॉकेट है उसका उसका प्रोग्राम है, प्लस जो है ब्रेक शू। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं मैं जो लाऊंगा, असल में मेरी कोशिश होती है कि जो भी प्रोडक्ट लाऊं वो बिल्कुल गारंटेड हो। अच्छा सर, एक सवाल और ये था कि जैसे अभी आपने हेलमेट्स के अलावा सनग्लासेस, वॉलेट्स और ये जितने भी कीचेन्स वगैरह और ग्लव्स, जैकेट्स, ये सब कुछ रखा हुआ है, क्या ये भी मुहाफिज में ही आते हैं या फिर ये आपने कहीं से इम्पोर्ट कराएं या फिर इस तरह की कोई? नहीं नहीं, ये मुहाफिज से कोई ताल्लुक नहीं है, ये काउंटर सेल है हमारी और ये जो हम बाज़ार से परचेस करते हैं किचन है, बस असल में क्या है कस्टमर रुकता है कुछ हेलमेट लेता है तो उसको ये रिलेटेड है उससे, बाइक वालों से रिलेटेड चीज़ें हैं जितनी भी चीज़ें हैं ना, ग्लव्स है वो बाइक वाला पहनता है, ग्लव्स तकरीबन किचन है वो ग्लव लेता है, कुछ टूल्स हैं वो रहता है, अब थोड़े से मैंने जो वॉलेट वगैरह भी रख ली, कस्टमर जो आता है आदमी मेन वेयर से जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मैंने कोशिश करता हूँ कि वो मेन वेयर से यहाँ रख लूँ। तो जैसा कि नाज़रीन मुहाफिज के ओनर इकबाल साहब ने जैसे कि बताया कि अपने हेलमेट्स के बारे में मार्केट के हवाले से कुछ स्ट्रेटजीज़ बताएं, आगे वो काम करेंगे इस तरह किस तरह, तो अब तक अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। ओके सर।